गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, अपने चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इन के अंदर एक टॉपिक और मेरे को करवाना है, वो है पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो डिजीज के बारे में है। तो कुछ पॉइंट्स मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसकी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा मैं। इन 1995 ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया following global polio eradication initiative initiative of the world of the World Health Organization World Health Organization WHO मतलब सबसे पहले बात करते हैं पोलियो की। बच्चों पोलियो एक बहुत ही सीवियर एक भयानक एक डिजीज थी। एक टाइम इंडिया में इसका बहुत ज्यादा बुरा दौर चला था। पोलियो का जो वायरस है वो बच्चे के नर्वस स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, और क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और पोलियो का वायरस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है जिससे पैरालिसिस हो जाता है एक पाँव या एक हाथ या दोनों पाँव का एक हाथ का, तो पैरालिसिस हो जाता है और बच्चा पूरी जीवन ही जो है विकलांग रहता है और चल फिर नहीं पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम इंडिया के द्वारा एक चलाया गया कैंपेन है, एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। इन इंडिया वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो स्टार्टेड ऑन 1985, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के साथ में जो है वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो जो स्टार्ट किया गया 1985 में। लेकिन जो एक्चुअल जो स्टार्टिंग है पल्स पोलियो प्रोग्राम की वो 95 से हुई 1995 में, फॉलोइंग द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पर पोलियो इरेडिकेशन का जो इनिशिएटिव लिया गया उसके साथ में ही 95 में इंडिया के अंदर पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और इस प्रोग्राम के दौरान हर 6 मंथ से 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको पोलियो की जो डोज है वो दी जाने लगी। बच्चों इंडिया के अंदर जो लास्ट रिपोर्टेड जो केसेस ऑफ वाइल्ड पोलियो इन वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में थर्टीन जनवरी 2011। ध्यान से देखिए बच्चों कि ये जो प्रोग्राम है पल्स पोलियो प्रोग्राम ये 95 से स्टार्ट हुआ और काफी लंबा चला ये प्रोग्राम, और हर 6 महीने से 3 डेज तक ये प्रोग्राम रहता था, जिसमें फर्स्ट डे बूथ के ऊपर डोजेस दी जाती थी, तो वहां चल के ले जाए पेरेंट्स अपने बच्चों को 5 साल से छोटे बच्चों को। सेकेंड डे घर घर जाके तो इस तरीके से सर्वे करके जो है हर घर के बच्चे को उसमें जो है डोजेस मिल सकें पोलियो की, इसके प्रयास किए जाते थे। तो जो लास्ट रिपोर्टेड केस है वाइल्ड पोलियो का वो वेस्ट बंगाल और गुजरात में 13 जनवरी 2011 में देखा गया। उसके बाद में कोई भी नया केस नहीं आया, कोई भी जो न्यू केस है पोलियो का
वो नहीं आया, और इसी कारण से मैं आपको डेट ये बता रहा हूं कि ये ध्यान रखें आप, ऑन 27 मार्च 2014 जो WHO जो है, WHO declared India a polio free country. ध्यान से देखिए बच्चों, 13 जनवरी 2011 को लास्ट जो है बंगाल में और गुजरात में वाइल्ड केसेस पोलियो के मिले, रिपोर्ट हुए, लेकिन 5 साल तक कोई भी नया केस ना आने के कारण से WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया 27 मार्च 2014 को। ओके बच्चों, तो ये डेट जरूर आप ध्यान रखें। पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कैंपेन के फॉर्म में, एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन के फॉर्म में चलाया गया, और 95 के अंदर WHO का जो इनिशिएटिव था उसके साथ में इंडिया ने भी पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया। काफी लंबा चला ये दौर, और जो लास्ट केस रिपोर्ट किए गए वो गुजरात और वेस्ट बंगाल में 13 जनवरी 2011 को किए गए, लेकिन 5 ईयर्स तक कोई भी वाइल्ड पोलियो का केस, सीवियर पोलियो केस नहीं आने से WHO ने 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया। ओके बच्चों, और अब नाउ जो इंडिया जो है वो पोलियो फ्री कंट्री है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पल्स पोलियो। Preventive measures next point है step क्या क्या लिए गए वो भी देख लेते हैं अपन, और setup of booth, next cold boxes for vaccine supply or arranging employees employees volunteers or immunizing children और सर्विलेंस ऑफ एफिकेसी। ध्यान से देखिए आप लोग, पल्स पोलियो प्रोग्राम में प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है, मेरे ध्यान में बच्चों एक केस है, एक रिलेटिव है हमारे, तो उनका बच्चा आज तो वैसे 40 प्लस का हो गया उनका जो लड़का है, लेकिन जब वो बच्चा 6 महीने तक तो ठीक था वो बच्चा, फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि वो पैरालाइज हो गया, और वो आज तक वैसा ही विकलांग है ना।
तो हुआ यूं कि 6 मंथ तक तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा बहुत ही ज्यादा अनइम्यून होता है, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल नहीं होती बच्चे के अंदर, उसी समय ये वायरस अटैक करता है और नर्वस सिस्टम को डैमेज करके पैरालिसिस कॉज करता है ये, ठीक है बच्चों। तो आफ्टर द बर्थ जो बच्चा है उसको प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर उसका ध्यान रखना, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हर 6 मंथ से जो पोलियो की जो डोजेज उस दौरान दी गई और अभी भी जो है वैक्सीनेशन होता है, तो वो वैक्सीन देना जरूरी है जिससे बच्चा जो है इम्यून हो जाए पोलियो के लिए, ठीक है। स्टेप्स, पल्स पोलियो प्रोग्राम के स्टेप्स क्या हैं? सेटअप ऑफ बूथ, इसके लिए अलग अलग बूथ एस्टेब्लिश किए गए इस प्रोग्राम के दौरान पोलियो के डोजेस प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा, वैक्सीन काफी डिस्टेंस तक ले जानी पड़ती थी, इंटीरियर जो गाँव में भी डिस्टेंस, वहां भी पोलियो की वैक्सीन जो है सप्लाई की जाती थी। तो इसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज के लिए कोल्ड बॉक्सेस का अरेंजमेंट किया गया वैक्सीन की सप्लाई के लिए। इस प्रोग्राम के लिए काफी सारे वॉलंटियर्स को, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया गया, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं रहता। 5 साल तक के छोटे, 5 साल से छोटे बच्चे, 5 ईयर्स से बिलो जो एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन है उनको इम्यूनाइज किया गया इस प्रोग्राम के द्वारा। और ये प्रोग्राम जब रन हुआ इतने सालों तक तो इसकी एप्लीकेशन के लिए पूरी निगरानी रखी गई, पूरी सर्विलेंस किया गया कि ये प्रोग्राम सही से कंप्लीट हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिफिकल्टीज। इस प्रोग्राम के दौरान क्या डिफिकल्टी आई वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोग्राम की अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज आई, यस बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर 2 से 3 जो डोजेज है वो सफिशियंट है फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन टू द पोलियो, है ना, पोलियो के लिए। लेकिन इंडिया में देखा गया, इंडिया के काफी एरियाज में ऐसा देखा गया कि वहां पर 8 से 10 टाइम जो डोजेस देने जाने पर ही बच्चे में इम्यूनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो रिपीटेड जब वैक्सीनेशन किया गया, डोजेस दी गई, तब जाके है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल रहा इंडिया के अंदर। तो ये फर्स्ट डिफिकल्टी थी। सेकंड ये कि पुअर पार्टिसिपेशन, हाँ तो बच्चों ये सेकंड थिंग ये थी कि आपको पता होगा कि कई लोग इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, मीडिया के द्वारा इतना प्रचार करने के बावजूद भी क्या है कि कई लोग समझ नहीं पाते, कई लोग जो गांव में रहते हैं या मोहल्लों में रहते हैं या इंटीरियर अनएजुकेटेड हैं तो वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। तो ये डिफिकल्टी थी कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो पुअर रहता था शुरुआत में, तो लोगों को पता ही नहीं था, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे इसको। और कई जगहों पर जो मेडिकल स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से सपोर्टिव नहीं रहा, तो इस वजह से ये डिफिकल्टीज आई। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा और लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता चला और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट। अब बात करते हैं कि सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला इस प्रोग्राम को सक्सीड करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो एक तो है इंडियन फेडरल, इंडियन फेडरल, इंडियन फेडरल कोमा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोमा इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट
international institutes, institutions, or non-governmental NGOs, non-governmental organizations, और इसके अलावा WHO, UNICEF, US Center, US Centers for Disease Control, and Prevention. अमिताभ बच्चन, और मीडिया, अमिताभ बच्चन ने इस कैंपेन का जो है प्रचार किया। ध्यान से देखिए बच्चों, सपोर्ट कहां कहां से रहा इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने में। इंडियन फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, इसके अलावा WHO, यूनिसेफ, US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का सपोर्ट रहा इस प्रोग्राम के लिए इंडिया के अंदर। और टीवी के ऊपर अमिताभ बच्चन ने जो है इस कैंपेन के प्रचार के लिए काम किया। और मीडिया में जो टेलीविजन है और जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो इनके थ्रू भी इस प्रोग्राम को और ज्यादा जो है प्रसारित किया गया और लोगों के तक पहुंचाया गया कि ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तभी हम पोलियो से मुक्त हो सकते हैं। और आज देखिए बच्चों, इंडिया जो है वो पोलियो फ्री कंट्री है। ओके, तो ये बच्चों पल्स पोलियो प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। मैं वापस से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, और कई बच्चों को चैप्टर 6 में थोड़ा सा हो सकता है हार्ड चैप्टर है तो लगे, तो वो थोड़ा सा मैं ब्रीफली थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा अभी। बच्चों आपका जो चैप्टर 6 है वो टिश्यूज के बारे में है। ध्यान से देखिए बच्चों, चैप्टर 6 जो है एक्चुअल में 8 से आप 9th में आए हैं, तो थोड़ा सा वैसे भी पढ़ाई का जो लेवल है वो हाई हो गया है और जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा वास्ट हो गया है और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है ना। लेकिन आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये चीजें आपको इजिली समझ में आने लगेंगी। चैप्टर 6 के अंदर टिश्यूज का पार्ट है, इसमें प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज दोनों को इंक्लूड किया गया है, बड़ा चैप्टर है ये। तो आप बेटा पहले प्लांट टिश्यूज को अच्छे से कवर करें। सैटरडे को मैंने एक टेस्ट रखा है, उसमें उसको जरूर आप अटेम्प्ट करें, और प्लांट टिश्यूज के पार्ट को ही मैंने रखा है उसमें, तो आप उसको जरूर तैयारी करें, ठीक है। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, द सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर शेप, इन देयर, है ना, इन देयर फंक्शन, तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। क्लियर होगी बात? पहले हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे। प्लांट टिश्यूज जो है बच्चों टू टाइप्स के हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड सेकेंड परमानेंट टिश्यूज। तो पहले मैं बात करूंगा मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की। बच्चों जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज है, यहां पर मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवीजन करना। द मीन ऑफ मेरिस्टेम इज टू डिवाइड, डिवीजन करना। तो ये जो टिश्यूज हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स को फॉर्म करती हैं, जिससे प्लांट में ग्रोथ
पॉसिबल होती है. ओके तो ऐसे टिश्यूज को मेरिस्टमेटिक टिश्यूज कहते हैं. ओके अब हम बात करेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के टाइप्स की. तो यहां पर ये थ्री टाइप्स के होते हैं, तो मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. मैं एक शूट का स्केच ड्रॉ कर रहा हूं. शूट शूट कहते हैं बच्चों इनिशियल जो सॉफ्ट स्टेम होता है. इनिशियल जो सॉफ्ट स्टेम होता है उसे बच्चों हम शूट कहते हैं. क्या कहते हैं? शूट कहते हैं. और शूट के अंदर मैं आपको मेरिस्टमेटिक टिश्यूज बता देता हूं. ये है एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम ये एपिकल मेरिस्टेम है. और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी और ये है लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल लेटरल मेरिस्टेम. ध्यान से देखिए बच्चों, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. दिस वन इज द स्केच ऑफ अ शूट शोइंग द वेरियस टाइप ऑफ मेरिस्टेम. शूट एपिकल मतलब शूट की टिप पर और रूट की टिप पर जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो ब्रांचेज का जो बेस है, लीव्स का जो बेस है, वहां पर जो टिश्यूज या बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज जो मेरिस्टेम पाए जाते हैं उन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं. और लेटरल साइड में, स्टेम के लेटरल साइड में जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टमेटिक, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं. एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स के डिविजन से शूट एंड रूट की ग्रोथ इंक्रीज होती है, लंबाई बढ़ती है, जिसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इनके द्वारा जो डैमेज्ड पार्ट है वो वापस से रीजनरेट होते हैं, रीग्रो होते हैं. अगर कोई हर्बीवोर एनिमल है उसके द्वारा खाया गया है प्लांट का कोई पार्ट, तो वापस से वो बन जाता है, वापस से रीजनरेट हो जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण से. और लेटरल मेरिस्टेम के कारण से जो स्टेम है उसकी डायमीटर इंक्रीज होता है, उसकी गर्थ इंक्रीज होती है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. अंडरस्टूड बच्चों? तो इस तरीके से मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के थ्री टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट लेते हैं परमानेंट टिश्यूज. द नेक्स्ट इज, लास्ट तक बने रहना आप, हो सकता है परमानेंट टिश्यूज भी अपन फटाफट से कवर करें इसको. सेकंड हम ले रहे हैं परमानेंट टिश्यूज. बच्चों जब मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन करना रोक देती हैं, व्हेन द सेल्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड दे गेट डिफरेंशिएट इनटू द
mature cells to do various functions. On that condition, the tissues are called permanent tissues. मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन करना रोक देती हैं और वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज, दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। ओके बच्चों, जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये भी 3 टाइप के हैं। फर्स्ट सॉरी ये 2 टाइप के हैं, पहले एक तो है सिंपल सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं इसके 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा और यहां पर है जाइलम एंड फ्लोएम। ध्यान से देखिए बच्चों, जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी फंक्शन को करने के लिए, एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं बच्चों, ये एक ही टाइप की, एक ही तरीके की सेल्स के एग्रीगेट होने से बनते हैं, जिनकी शेप सिमिलर होती है, और ऐसे टिश्यूज को कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। और ये 3 टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सेकंड लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज 2 या 2 से अधिक टाइप की जो सेल्स या एलिमेंट्स हैं डिफरेंट शेप में, डिफरेंट टाइप में, उनके मिलने से बनते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। थोड़ा सा बच्चों मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। पैरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो ओवल या सर्कुलर होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है प्लांट के अंदर। पैरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, ये फूड का स्टोरेज करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? फूड का स्टोरेज करना। इनकी जो सेल वॉल है थिन होती है, जो कि सेलुलोज हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेकंड लेते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो टिश्यूज हैं ये स्टेम के हाइपोडर्मिस पार्ट में पाए जाते हैं, और इनकी इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। इनकी सेल वॉल थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन के डिपोजिशन के कारण से क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल है थिक होती है। इनके कॉर्नर्स जो होते हैं थिक होते हैं, क्योंकि वहां पर सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, सो दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रोवाइड द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्म द ग्लूकोज एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। सेकेंड नेक्स्ट लेते हैं, अच्छा पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की जो सेल्स होती है लिविंग सेल्स होती है इनकी। फिर आते हैं स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं ये डेड टिश्यूज होते हैं, ये सीड्स के कवरिंग में, नट्स की कवरिंग में पाए जाते हैं डेड, और ये स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेन्काइमा से बने, स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स के मिलने से बनते हैं ये। और इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और जहां जहां लिग्निन नहीं होता वहां पिट्स पाए जाते हैं। ओके तो ये प्लांट को रिजिडिटी देते हैं, प्लांट को सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। डायग्राम बच्चों टाइम कम है तो डायग्राम में हो सकता तो आगे कभी चांस मिला किसी क्लास में तो अपन डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। और वैसे मैं ये चैप्टर आपको करवा चुका हूँ,
जस्ट एक ब्रीफ में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं। जाइलम बच्चों, जाइलम जो है ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये ट्रैकेड वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा के मिलने से बनते हैं एंड दे डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव। नेक्स्ट लेते हैं फ्लोएम। बच्चों फ्लोएम जो है ये सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा के बने होते हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट द फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट द फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोएम शेप। फ्लोएम शेप के फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया आपको। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब अपन आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज कर दें।